हर जगह बोलती हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट. कभी भी बिल देने का टाइम आता तब ये लेडीज फर्स्ट क्यों नहीं होता? फिर कहते हो माय गॉड मैं लड़की हूं, मैं बिल देती हूं, अच्छी लगूंगी. लगोगी तुम, दो बिल. तो पूछो इनको, वैसे मर्दों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलना है, लेकिन सरेंडर उठाने की बारी आती है तो मर्दों का कंधा याद आता है. रूल एंड रेगुलेशन सारे पता है, लेकिन आज तक किसी लड़की से रेगुलेटर नहीं लगा सिलेंडर का. मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा ना उस आदमी पे है जिसने ये बोला कि लेडीज फर्स्ट. कितनी अच्छी अच्छी लोग चीजें बोल गए हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी. तू भी कुछ ऐसा बोल निकल. तू भी बता, लेडीज का राम जेठमलानी लगा हुआ है लेडीज फर्स्ट. मेरे को कभी कभी लगता है कि जिसने बोला है ना, जहां पक्का उसकी साड़ी की दुकान होगी, जहां फिर औरतों की कमेटियां डालता होगा वो. कोई भी शो शुरू होता है कहते लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड लेडीज क्यों नहीं? हमें पीछे लगा, हम रास्ता भूल रहे हैं. सारे मुश्किल काम हमने किए हैं. कभी आपने सुना है मौत के कुएं में बाइक चलाती ललिता, वहां रमेश लटका होता है. और टेक्नोलॉजी वालों को भी पता चल गया है कि लेडीज फर्स्ट है. इसलिए ना आप खुद सोचो, सदियों से चारपाई और हुक्का लेकर चचा लोग बैठते थे रास्ता बताने के लिए. जब से गूगल मैप वाली आंटी आई है ना, चचा चारपाई और हुक्के समेत उठवाया उसने. उसको पूछो कितना दर्द होता है उसे, जिसको घर वाले मुंह नहीं लगा रहे. अब लेडीज फर्स्ट क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही. एड बनती है अच्छी अच्छी एड लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, या फिर बाथटब में सेक्सी सा पोज दे के लेटी होती है, फूल और साबुन की एड. इधर मर्दों को दाग खा खुजली. ज्यादा से ज्यादा सेक्स एड भी हमें एसिडिटी की मिली है, जिसमें अध नंगा पेट निकाल के डकार मार के बोलते हैं गैस खत्म करे 6 सेकंड में. लेडीज फर्स्ट क्यों? आप देख लो पुरानी कहानियां देख लो भाई, कहानियों में भी स्टोरीज थी, जो लव स्टोरीज थी उसमें भी लेडीज फर्स्ट. हीर रांझा, रांझा हीर क्यों नहीं? लैला मजनू, मजनू लैला क्यों नहीं? जब पत्थर पड़ रहे थे तब मजनू आगे, अब क्रेडिट है लैला आगे. किया क्या है, क्यों लेडीज फर्स्ट? और तो और आप देख लो, हम लोगों ने कितना कुछ किया यार, मोटिवेशनल दिया. आपने कहानी सुनी होगी प्यासा कौआ, एक कौए ने मटके में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, पिया और उठ गया. मोटिवेशनल कहानी. आप लोगों ने कभी सुना प्यासी कोयल? नहीं सुना, क्योंकि कोयल को प्यास भी लगी होगी, उसने कौए को चार पप्पियां देके उससे कंकड़ डलवाए होंगे. एक काम में औरतें थोड़ा सा आगे थी कि दो औरतें बैठ जाए, बहुत फालतू बातें करती हैं. लेकिन हमारे दो इंडिया के मर्दों ने वो भी उनको पीछे छोड़ दिया. आप अक्षय कुमार के इंटरव्यू देख लो, आम कैसा चूसना चाहिए. देखो मैं देशद्रोही नहीं हूं कि मैं आम नागरिक हूं एक, और मैं अभी आम चूस कर खाता हूं. थैंक यू सो मच. कॉमेडी स्टूडियो.